अंतरिक्ष में अनंत संभावनाएं और रहस्य हैं। वैज्ञानिकों को इनकी पड़ताल करने का उद्देश्य केवल जिज्ञासा शांत करना नहीं है, बल्कि उन प्रक्रियाओं को समझना भी है जिनसे पृथ्वी जैसे ग्रह का निर्माण और लाइफ पनपा। इस कोशिश में सौर मंडल के हर ग्रह की और अंतरिक्षयान भेजे जा चुके हैं। दूसरे ग्रहों पर पानी की तलाश भी हुई है, लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि किसी ग्रह या उसके उपग्रह पर पनडुब्बी यानी कि सबमरीन भेजने पर गंभीरता से विचार होगा? नासा के शोधकर्ता शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के सागरों के अध्ययन के लिए वहां पनडुब्बी भेजने पर विचार कर रहे हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। रिपोर्ट के मुताबिक नासा के शोधकर्ता एक अभियान को तैयार करने में जुटे हैं जो टाइटन पर पनडुब्बी ले जाएगा। टाइटन की ठंडी सतह पर बहुत से तरल हाइड्रोकार्बन के तालाब और सागर हैं। बताया जा रहा है कि अगर नासा को इसकी फंडिंग मिल गई तो इस अभियान को अगले दशक में भेजा जा सकता है। ओहियो में नासा के ग्लेन रिसर्च सेंटर के स्टीवन ऑल्सेन ने कहा कि पिछले महीने नासा ने भविष्य के स्पेस ऑपरेशंस की ब्रुकिंग ग्रुप के एक प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, हमें लगता है कि टाइटन पर पनडुब्बी भेजना यूरोपा और एनसेलाडेस पर जाने से पहला कदम होगा। यूरोपा बृहस्पति का उपग्रह है जहां बर्फीली सतह के नीचे महासागर है, और एनसेलाडिया शनि का छोटा सबसे बड़ा ग्रह है जिसकी बर्फीली सतह के कारण ये हमारे सौरमंडल का सूर्य के बाद सबसे चमकीला पिंड है। टाइटन के सागरों पर पानी नहीं है या बहुत कम हो सकता है। इसका साफ मतलब है कि पनडुब्बी को वहां तैरने के लिए पृथ्वी के महासागरों जैसा माहौल नहीं मिलेगा, और ये बात तय है। लेकिन वैज्ञानिकों का दावा है कि इससे कोई समस्या नहीं होगी, और उन्होंने कहा कि पनडुब्बी हाइड्रोकार्बन के तरल पदार्थों में आसानी से चल सकती है। वहां से रेडियो संकेतों के जरिए संचार भी हो सकता है। वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रस्तावित पनडुब्बी वहां के सागरों के अंदर से या तो सीधे पृथ्वी तक संकेत भेज सकती है या फिर किसी टाइटन ऑर्बिटर के जरिए ये संदेश भेज सकती है, और ये सब अभियान की संरचना पर निर्भर करता है। बृहस्पति और शनि ग्रहों के चंद्रमाओं पर बहुत सा पानी जो कि बर्फ की चादर के नीचे दबा है, लेकिन टाइटन का पानी या तरल सागर खुले हैं, इसीलिए वहां पर एक पनडुब्बी को उतारना ज्यादा आसान है। वहीं इस समय नासा एक अगला प्रोजेक्ट बना रहा है जिसमें उन्होंने चैलेंज रखा है छात्रों के सामने, जिसमें उन्हें अंतरिक्ष, चंद्रमा, मंगल या दूसरे पिंडों पर इंसान के उपयोग के लायक पानी बनाने का तरीका विकसित करना है। इसके लिए नासा चुने गए टॉप 10 स्टूडेंट्स को सालाना 7.5 लाख रुपए से ज्यादा दे रहा है। इसके लिए जितने भी ये स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, वो ऐसा हार्डवेयर डिजाइन करेंगे जो सिमुलेटेड बर्फ की सतहों में से पानी को पहचानने, उत्खनन और उत्पादन करने का काम कर सके। इस महीने नासा ने ये जानकारी दी है कि वैसे तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करोड़ टन बर्फ है, लेकिन इसको पीने का पानी, पौधों की सिंचाई और रॉकेट के प्रपल्शन के लायक बनाने के लिए तैयार करना पड़ेगा, और ये सारे उपक्रम नासा इंसानों को लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए भेजने की तैयारी के तौर पर कर रहा है।